झांसी दतिया स्थित अंतर्राज्यीय बॉर्डर उन्नाव बालाजी के पास शराब के नशे में धुत चालक ने ऑटो पलटा दी। हादसे में ऑटो में बैठे परिवार के लोगों की जान बाल बाल बची है। झांसी के नंदनपुर का परिवार ऑटो से दावतपुरा सरकार के लिए निकला था। इस दौरान झांसी दतिया के बॉर्डर उन्नाव बालाजी पर ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ऑटो में बैठे गोस्वामी परिवार के लोग बाल बाल बच गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को पीड़ित परिवार ने बताया कि ऑटो चालक नशे में धुत होकर वाहन चला रहा था। वहां बड़ा सवाल ये उठता है कि बाइक चेकिंग के नाम पर पुलिस आए दिन सक्रिय दिखाई देती है, लेकिन ऑटो चालकों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम चलाए साहब, वो एकदम से ब्रेकर आया, वो हम उल्टा पांव रखे थे। हादसा ये हुआ कि सर हम लोग नंदनपुरा से आ रहे थे शादी से, गाड़ी की हमने और गाड़ी करने के बाद उससे बात हो गई, बोले महाराज हम 1400 रुपये लेंगे। हमने कि हम 1500 देंगे आपको, मगर दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना। बोले नहीं हम लोग नहीं पीते महाराज दारू। हमने कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग पुजारी लोग हैं और दामाद छोटे छोटे बच्चे हैं, हम दारू नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ऑटो वाले दारू पीते हैं, मगर बोले नहीं महाराज हम लोग नहीं पीते। ठीक है वो आया सामान बात हो गई, मगर उसके साथ उससे बात हुई थी, मगर उसके लिए ये आया उसके साथ वो भाग गया, मतलब वो हाँ वो भाग गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।